सिया राम के लगन मा शुभ। अब और रामायण तो आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत दिल के करीब है और खुशी होती है जब मिथिला में इतना प्यार मिलता है। सब लोग कहते हैं भाई हर एक बेटी के अंदर एक सीता बसी है, तो इस धरती ने जो जो दिया है सीता माँ माँ सीता को दिया है, इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को, इस संसार को, वो अपने आप में अभूतपूर्व बात है, बहुत अनूठी देन है। आज शुभ सिया राम के लगन माँ शुभ। अब इसे को स्वागत करने का मौका मिला। सिया वाले राम चंद्र की वाले राम आगे मान बराबर हाथ में मज प्रभु सिया राम के मंच से। ये अहां सब के लेल अनुभव है से कहता केना। जब मुझे पहली बार यहां पे इनवाइट किया गया तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैं मिथिला में आ रही हूं, क्योंकि जैसे अरुण जी ने कहा कि मिथिला का नाम जब आता है तो रामायण की यादें हमारे लिए ताज़ा हो जाती हैं और रामायण तो आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत दिल के करीब है और खुशी होती है जब मिथिला में इतना प्यार मिलता है। सब लोग कहते हैं भाई हर एक बेटी के अंदर एक सीता बसी है और मिथिला में अभी भी उसी प्रकार से विवाह होता है जिस तरीके से राम सीता जी का हुआ करता था। आप सब ने वो अभी भी ट्रेडिशन जारी रखा है तो खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार मैम अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है तो क्या चाहेंगे कि सीतामढ़ी में भी जो मंदिर का जो कल्पना किया गया है वो साकार हो? जी बिल्कुल, मैंने आज सुबह ही कहा कि सीतामढ़ी में भी ऐसा होना चाहिए और मुझे लगता है अवश्य होगा, जरूर होगा। जैसे ही राम का मंदिर अयोध्या में हो जाएगा मुझे लगता है सीता मणि में सीता जी का भी मंदिर हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी जन्म स्थान है। और ये तो धरती से बहुत ज़्यादा इतने साल तक जुड़ाव रहा है, इतनी सांस्कृतिक धरती है, इतनी धार्मिक ये धरती है, तो यहाँ आकर तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से रामायण की यादें जो है वो मन में आने लगी हैं, तो इस धरती ने जो जो दिया है सीता माँ माँ सीता को दिया है, इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को, इस संसार को, वो अपने आप में अभूतपूर्व बात है, बहुत अनूठी देन है। धरती बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सीधे हैं, सीधे साधे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, अच्छा लग रहा है। सब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कहें? बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो इन दिनों कुछ हुई ही नहीं है। इतने सालों से जिस बात का इंतज़ार था वो पूरा होने जा रहा है, पूरी अगले साल शुरुआत में हमें हम राम मंदिर में जाएंगे, सभी लोग दर्शन कर पाएंगे।